नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564903096906089752385 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 को ध्यान में रखते हुए जो पेड क्विजेज हमारी हो रही हैं तो उसकी वीडियो सीरीज हम देख रहे हैं लगातार। आज इसमें हम तीसरा वीडियो देखेंगे यहाँ पे, तो बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक किया करिए और आपके जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हैं उसको हमें कमेंट करके बताया करिए ताकि हम आपके लिए और बेहतर आगे से कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे यूट्यूब चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल हमारा जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से उसको भी ज्वाइन करें अगर आपने अब तक नहीं किया है। ठीक, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न है कि आरपीएफ द्वारा चलाए गए ऑपरेशन नार्कोस, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में हम यहाँ पे देखेंगे, नार्कोस ऑपरेशन का संबंध निम्न में से किस विषय से है। ठीक, तो अभी रिसेंटली जो है एक मंथ लॉन्ग ऑपरेशन चलाया गया नार्कोस नाम से जून 2022 में, और इसका संबंध है ड्रग ट्रैफिकिंग यानी कि जो नशीले पदार्थ हैं उसकी तस्करी को रोकने से संबंध। ठीक है, तो इसी क्रम में जो पूरा एक महीने भर का ऑपरेशन चला तो उसमें इस ऑपरेशन के तहत लगभग जो है 7.40 करोड़ के जो ये नशीले पदार्थ हैं या जो नारकोटिक प्रोडक्ट्स हैं इसको रिकवर किया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ से कौन सा करेक्ट हो गया, ए। ठीक, 1 जुलाई 2022 को देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है इसको लागू हुए कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो जीएसटी हमारा इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 2017 में, 1 जुलाई 2017 की मिडनाइट से। ठीक है, जब 1 जुलाई स्टार्ट हुई थी। ठीक, तो कितने वर्ष हो गए हमारे, 5 वर्ष हो गए। ठीक, क्या नाम है, 1 जुलाई 2022 को। ठीक, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आपको पता होने चाहिए, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि जैसे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था किस स्लोगन के साथ, वन नेशन वन टैक्स। ठीक, और बिल नंबर कौन सा था, 122वां। ठीक है, और जो अमेंडमेंट है जिसके द्वारा जीएसटी को मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 101। ठीक है, 2016 का। ठीक, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। हाल ही में यार लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो इसराइल जो है, ठीक है, इसराइल के ये 14th प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अभी 1 जुलाई 2022 से जो इनका ये कार्यकाल है ये शुरू हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। 1 जुलाई 2022 को हिंदू नववर्ष आषाढ़ी बीज निम्न में से किस राज्य में मनाया गया है। ठीक है, तो आषाढ़ी बीज का जो एक फेस्टिवल है बेसिकली इसको जो है ये आषाढ़ महीना जो शुरू होता है तो शुक्ल पक्ष के जो सेकंड डे होता है इसमें मनाते हैं। और इसका जो मनाने का पर्पस है तो जो हमारे मानसून में बरसात शुरू होती है तो बरसात जो है उसके शुरू होने के जो कह लीजिए फेस्टिवल के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, गुजरात में। तो गुजरात में इन पर्टिकुलर कहाँ पे, तो जो कच्छ का रीजन है, ठीक है, वहां पे इसको मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन चुन लेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल किस दिन सीए दिवस यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट डे जो है उसको मनाया जाता है, तो ये होता है हमारा 1 जुलाई को। ऑप्शन हम यहाँ से कौन सा चुनेंगे, डी वाला। इसी 1 जुलाई को ही जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है इसको एस्टैब्लिश किया गया था पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के तहत। ठीक है, तो इसी 1 जुलाई 1949 को स्थापित हुआ था तो उसी दिन को जो है यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे के रूप में भी ऑब्जर्व किया जाता है। और जो ICAI है इसके बारे में एक फैक्ट ये ध्यान रखिएगा कि दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो दूसरा है, पहला सबसे बड़ा जो ये प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है वर्ल्ड का वो कौन सा है, जरा कॉमेंट करके बताइए। तो 1 से 10 जुलाई 2022 तक जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित की गई, तो जगन्नाथ मंदिर किस शहर में स्थित है हमको ये बताना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात ये आपको पता ही होगा कि उड़ीसा के जो पुरी है यहाँ पे ये स्थित है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और प्रतिवर्ष जो हमारा आषाढ़ का महीना होता है तो उसमें यहाँ पे एक भव्य यात्रा का जो है आयोजन होता है भगवान जगन्नाथ के उस स्मृति में, और भारत के जो 4 पवित्र धाम है उनमें से एक ये है, ये आपको पता ही होगा।
हाल ही में किस राज्य की सिनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो ये संबंधित है हमारे स्टेट ऑफ कर्नाटक से, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की शिनाता चौहान है, तो इनको इस जो इवेंट में सेकंड रनर अप का जो है टाइटल दिया गया था, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाल ही में राहुल नार्वेकर निम्न में से किस राज्य के नए विधानसभा स्पीकर चुने गए हैं? ठीक है, तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में अभी जो है एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बन गए, तो अब इसी क्रम में जो है नए विधानसभा स्पीकर का चुनाव हुआ, तो ये चुने गए हैं राहुल नार्वेकर, ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किस देश की महिला जिनका नाम है बैटी नैश, तो इनकी वर्तमान में आयु 86 वर्ष के आसपास है, तो इनको सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली और दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में मान्यता दी है, ठीक है, तो गिनीज बुक रिकॉर्ड्स में जो है इनको दर्ज किया गया है बैटी नैश को, ये संबंधित है यूएसए से, ठीक है, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अमेरिकन एयरलाइंस में इन्होंने जो है मोर देन 60 प्लस ईयर्स की सर्विस दी है, ठीक है, एज अ फ्लाइट अटेंडेंट, तो इस वजह से जो है इनको अभी इनका नाम काफी चर्चा में रहा था, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य में देश की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को पूरी तरह से चालू कर दिया, ठीक है, तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं ये कई सारे कई अलग अलग राज्यों में आजकल चर्चा में रहते हैं, ठीक है, अभी पिछले एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा भी गया है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट हमारा जो है वो किस राज्य में अभी कमीशन हुआ है, तो ये है तेलंगाना में, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, जो रामगुंडम प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसकी उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट है, तो इसको पूरी तरीके से फंक्शनल कर दिया गया है, और इसके शुरू होने के बाद से अगर हम साउदर्न रीजन में देखेंगे भारत के, तो जो फ्लोटिंग सोलर एनर्जी कह लीजिए प्रोडक्शन हमारा है वो लगभग कमर्शियल जो प्रोडक्शन है वो लगभग 217 मेगावाट के आसपास का हो गया है, ठीक, तो इस आंकड़े को भी ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट है। केंद्र सरकार ने फुटाला लेक में वाटर स्पोर्ट्स विकसित करने की योजना बना रही है, तो फुटाला लेक कहाँ पे है हमको कुल मिला के ये बताना है, ठीक, तो फुटाला लेक बेसिकली महाराष्ट्र में है, नागपुर जो जिला है यहाँ पे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, और लगभग 60 एकड़ के एरिया में एक फैला हुआ लेक है जिसको कि जो भोसले किंग्स हुआ करते थे नागपुर के, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था, ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसमें वाटर स्पोर्ट्स को जो है डेवलप करने की प्लानिंग हो रही है। 2022 में भारत ने निम्न में से किस देश के साथ राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं, ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो है भारत और यूएई के बीच के जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 50 वर्ष पूरे हुए, और इसी अवसर पर दोनों देशों के द्वारा एक स्मारक स्टैंप जो है उसको भी जारी किया गया फिजिकल फॉर्मेट में, और 1972 में जो है हमारे ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए गए भारत और यूएई के बीच में, और उसी क्रम में जो है यूएई ने भारत में अपनी एम्बेसी खोली थी 72 में ही, और इंडिया ने यूएई में खोला था एम्बेसी 1973 में, ठीक, तो ये सब भी ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में डीआरडीओ ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के पहले एयरक्राफ्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया है, ठीक है, तो एक अनमैंड व्हीकल है, ठीक है, फ्लाइंग टेक्नोलॉजी बेस्ड, ठीक, तो इसको अभी डेमोन्स्ट्रेट किया गया है यहाँ पे चित्रदुर्ग कर्नाटक में, ठीक है, किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, डीआरडीओ के द्वारा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक, तो यहाँ पे हमारे जो मतलब मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह होंगे उसमें इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि अनमैंड व्हीकल है एक, ठीक, तो यहाँ से सी ऑप्शन जो है इसको हम चूज करेंगे। 2022 मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब किस देश के खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसन ने जीता है, ठीक है, तो ये बैडमिंटन ओपन है टूर्नामेंट, और इसमें मेंस सिंगल ये संबंधित है प्लेयर डेनमार्क के, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो महिला एकल का खिताब है वो किस कंट्री के खिलाड़ी ने जीता है जरा बताइए। हाल ही में किस देश की संसद ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक डॉक्टर तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया है, ठीक है, तो ये जो है तनुजा नेसारी ये हैं, क्या नाम है, निदेशक हैं आयुर्वेद संस्थान जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है यहाँ की, और इनको ये पुरस्कार दिया है यूके की पार्लियामेंट ने, ठीक, ऑप्शन हम बी जो है इसको चुनेंगे, और बेसिकली इसको देने का पर्पज़ या कह लीजिए जो लक्ष्य है तो
विदेशों में जो है आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने में जो ये तनुजा निसारी के डायरेक्शन में जो इनकी योगदान है, तो उसको एक तरीके से रिकॉग्निशन देने के लिए ये अवार्ड दिया गया है इनको। जुलाई 2022 में टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, ठीक है, FATF, तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हमें ये बताना है कि इसका FATF का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक, तो ये पेरिस में है, फ्रांस में, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो है 2 वर्षों का कार्यकाल जो है इन्होंने इसको शुरू किया है। और FATF के बारे में आप जानते ही हैं कि इसकी जो स्थापना हुई थी तो टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं इन सबको कॉम्बैट करने के लिए हुई थी। आप ये बताइए कि इसकी स्थापना वर्ष जो है वो क्या है। अगला देखिए, हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस श्रेणी में माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 किस कंपनी ने जीता है, ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, तो इनके द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है यहाँ पे। तो इसमें एक कैटेगरी है पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड के अंदर हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस, ठीक है, तो इस श्रेणी में भारत की जो ये HCL टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन का नाम ध्यान रखिएगा। हाल ही में सीमा और तटीय सुरक्षा पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का जो है आयोजन कहां पर किया गया है, ठीक है, तो इंडियन आर्मी की जो डेजर्ट कॉप्स है तो इनके द्वारा ये सुरक्षा मंथन एक कह लीजिए इनिशिएटिव है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और पर्पस क्या था इसका कि जो बॉर्डर एरिया है और कोस्टल एरियाज हैं इनकी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना, तो ये कहां पर किया गया है, जोधपुर राजस्थान में, ठीक। जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे IRS ऑफिसर जो है नितिन गुप्ता, ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट की गई है एज अ CBDT चेयरमैन, तो यहाँ से ए ऑप्शन को चुनेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, जिसका कि इंग्लिश में यहाँ पे देख लेंगे अभी हम, CDRI इसको कहते हैं, ठीक है, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध करने को मंजूरी प्रदान की है अभी हाल ही में। तो इसकी CDRI की स्थापना कब हुई थी हमको ये बताना है, ठीक, तो देखिए CDRI जो है सेप्टेम्बर 2019 में, है ना, यहाँ से सी ऑप्शन को चूज करेंगे, सितंबर 2019 में इसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था उस टाइम पे, वहाँ पे इसको जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है CDRI का, कि एक बेसिकली इंटरनेशनल एक तरीके का गठबंधन है, कोलिशन है किसका, इसमें कंट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशंस के जो एजेंसीज हैं, ठीक है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है ना, तो इन सब का एक तरीके का संगठन है जिसका कि एक कंबाइंड एम है कि डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको प्रमोट किया जाए, ठीक, तो ये सब भी ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया गया है, ठीक है, तो यहाँ इसको इंग्लिश में देख लीजिएगा, इसको ये एक तरीके से नाम दिया गया है अभ्यास जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो एक ये डिवाइस है जिसको कि यहाँ पे हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट के रूप में आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है, तो इसको उड़ीसा में जो ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है ना चांदीपुर में, यहाँ से इसको टेस्ट फायर किया गया है, तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और DRDO के द्वारा जो है ये ट्रायल कैरी आउट किया गया है, और बेसिकली अगर हम ये समझें कि ये जो डिवाइस है अभ्यास, तो इसका यूटिलिटी क्या है, ठीक है, तो जितने भी हमारे मिसाइल सिस्टम है तो उनके अलग अलग जो इवैल्यूएशन है ना, तो उनको एक तरीके से इवैल्यूएट करने के लिए एक टारगेट के रूप में ये काम कर सकता है, तो थोड़ा इसको सर्च करके भी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे टेस्ट फायर जो किया गया इसका चांदीपुर से किया गया था। अगला देखिए, किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी, ठीक है, इसको भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग रजिस्ट्री के लिए एक प्रस्तुति देने के लिए अपने शोध की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है तो जो कि एक प्रेजेंटेशन जो है प्रेजेंट करने वाला है, जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ग्रांट किया जाता है उसके लिए। अब ये GI टैग किसको ग्रांट करने के लिए प्रेजेंटेशन दी जाएगी, तो काई चटनी जो है इसके लिए, ठीक, तो अब ये कहाँ पे किया जा रहा है ऐसा, तो उड़ीसा में जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ के ट्राइबल पीपल जो हैं उनके मध्य ये काई चटनी जो है ये काफ़ी फेमस है, ठीक है। अब ये बनती किससे है, तो जो रेड आंट्स होती हैं चींटी, ठीक है, उससे एक तरीके का ये कह लीजिए चटनी ही बनाया जाता है, जो कि ट्राइबल पीपल जो हैं वो एज अ मेडिसिन या तमाम तरीके की जो
कह लीजिए चीज़ें हैं उसको, बीमारियों को हील करने के लिए तथा अपनी भूख वगैरह को इन्हांस करने के लिए इन सब पर्पजेस से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में काफ़ी प्रचलित है, तो उन्हीं सब चीज़ों को जो है एक तरीके से और वाइडर प्रोटेक्शन देने के लिए हाइजीन प्रोटोकॉल वगैरह GI टैग मिलने के बाद जो ये सब आ जाएंगे, तो इसके लिए ये प्रेजेंटेशन की तैयारी की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन हमारा ए जो था करेक्ट है वो। अगला देखिए, हाल ही में हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डीकार्बोनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। तो इस टाइटल के साथ एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, ठीक है। तो नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। जैसे कि आजकल हाइड्रोजन एज अ फ्यूल काफ़ी चर्चा में है, ठीक है, तो वहीं पे ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसको हार्नेस कैसे किया जा सके उसके ऊपर एक जो टाइटल रिपोर्ट है ये इसको जारी किया गया। थोड़ा डिटेल में इसको पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई 2022 को नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा यानी कि कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड, ठीक है, यहाँ पे ये थीम देख लीजिए। और इसके साथ डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किसके द्वारा किया गया है, तो इसको इनॉग्रेट किया था डिजिटल इंडिया वीक 2022 का प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। आपको याद होगा कि डिजिटल इंडिया जो है वर्ष 2015 जुलाई में ही स्टार्ट किया गया था और अभी जो इस साल उसको सेलिब्रेट करने के लिए डिजिटल इंडिया वीक मनाया गया, तो इसका वेन्यू ध्यान रखिएगा गांधीनगर में सेलिब्रेट किया गया। 7 से 8 जुलाई के मध्य G20 विदेश मंत्रियों की बैठक बाली में आयोजित की जाएगी, तो बाली किस देश का एक द्वीप यानी कि आइलैंड प्रांत है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बाली तो है इंडोनेशिया में, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक आइलैंड प्रोविंस है, बेसिकली इंडोनेशिया के बारे में आप जानते होंगे कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इंडोनेशिया का जो है वो क्या है, कोस्टल सॉरी ये आइलैंड से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स की जो मीट हुई है ये यहाँ पे हुई है। अगला देखिए, यूक्रेन की गणितज्ञ मैरीना वियाजोवस्का सहित 4 लोगों को प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 से सम्मानित करने की घोषणा भी हाल ही में की गई है, ठीक है। तो इन 4 लोगों में इनमें से कौन शामिल नहीं है हमको ये बताना है, ठीक। तो यहाँ पे ओडिड स्क्राम जो है ये इसमें शामिल नहीं है, देखेंगे। तो 4 लोग किनको मिला है, मैरीना वियाजोवस्का है इनको मिला है, बाकी ह्यूगो डोमिनिल जून हु और जेम्स मेनार्ड है ना, इन 4 को दिया गया है। और यहाँ पे फील्ड्स मेडल जो है 2022, तो फील्ड्स मेडल के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि फील्ड्स मेडल को बेसिकली जो है डिस्क्राइब किया जाता है नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स के रूप में, ठीक। और ये बेसिकली जो मेडल्स ये हाँ फील्ड्स मेडल प्राइज जो है ये 4 वर्षों में एक बार ऐसे गणितज्ञ को दिया जाता है जो अंडर 40 ईयर्स के होते हैं, ठीक है, जिन्होंने मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जो एक मतलब वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उनको दिया जाता है। तो ये सब फैक्ट्स भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान के परिसर में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सिस्टम जो है जिसका नाम है तिहान, ठीक है, इसको इंग्लिश में भी देख लेंगे, तो इसका उद्घाटन किया है। तो तिहान बेसिकली IIT हैदराबाद जो है यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है जितेंद्र सिंह जो साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं इनके द्वारा, ठीक है। यहाँ पे तिहान देखिए इसका फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, ठीक। तो नेविगेशन के क्षेत्र में जो है कि ये ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम है इसको इंस्टॉल किया गया है यहाँ पे, तो थोड़ा डिटेल में भी सर्च करके इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों के लिए परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये एक तरीके का ऑनलाइन पोर्टल है, CBSE बोर्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जो स्कूल लेवल जो रीजनल लेवल पे स्कूल से लेकर CBSE हेडक्वार्टर्स के बीच में जो एग्जाम से रिलेटेड प्रोसीजर्स वगैरह हैं उन सबको एक ही जगह इसी पोर्टल पे जो है उपलब्ध कराने का एक ये पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया। तो नाम ध्यान रखिएगा परीक्षा संगम पोर्टल। पहली बार विश्व क्रिकेट में किस देश की क्रिकेट बोर्ड ने महिला और पुरुष क्रिकेटरों को एक समान वेतन देने की घोषणा की है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड में जो है ये इंप्लीमेंट किया गया है, इसमें बेसिकली जो वुमेन और मेल प्लेयर्स हैं दोनों को जो मैच ये इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल पर जितने भी मैचेस होते हैं तो मैच फीस दोनों को सेम अमाउंट में जो है वो पे की जाएगी। तो पहला ऐसा देश बन गया है ध्यान दीजिएगा जहाँ पे इक्वल पे हो गया है दोनों जेंडर के प्लेयर्स के लिए। 3 जुलाई 2022 से स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया गया है, तो यहाँ पे यह अभियान कितने दिनों तक चलेगा हमें यह बताना है, ठीक। तो 3 जुलाई से लेकर 17 सितंबर तक 75 दिनों के लिए टोटल जो ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कि 75 समुद्री तटों की जो है सफाई का अभियान यहाँ पे चलाया जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी पी गोपी नाथन नायर का निधन हो गया है, तो इन्हें किस वर्ष में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था हमको ये बताना है, ठीक है। तो पी गोपीनाथन जी जो थे ये लगभग 99 वर्ष की आयु में अभी इनकी मृत्यु हुई है, तो इनको पद्मश्री जो मिला था ये तो मिला था 2016 में, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और केरला स्टेट से संबंधित थे ये, और जैसे कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान जो महात्मा गांधी के द्वारा जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया, ठीक है, उसमें इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद जो विनोबा भावे जी के द्वारा भूदान मूवमेंट चलाया गया उसमें भी काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किए, ठीक। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, और ये महात्मा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट जो है उसके चेयरमैन भी रहे थे, तो ये सब फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। 8 जुलाई 2022 को पर्यावरण मंत्रालय जो है इनके द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है, ठीक है, तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है, और इसमें देखेंगे तो देश भर में लगभग 75 जो नगर वन है यहाँ पे वृक्षारोपण का अभियान भी चलाया जाएगा इसके अंतर्गत। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने किस जिले में पौधे रोपकर वन महोत्सव 2022 अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। तो अभी हाल ही में 5 जुलाई को जो है चित्रकूट में इन्होंने एक हरी शंकरी वृक्ष का जो पौधा लगा करके इस अभियान वन महोत्सव की शुरुआत की है, और इसमें लगभग 35 करोड़ जो है वृक्षारोपण करने का लक्ष्य है, यह भी ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 4 से 7 जुलाई 2022 तक उत्तर प्रदेश के किस जिले में आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो मैंगो फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किया गया है लखनऊ में, ठीक। लखनऊ वैसे भी आम के लिए फेमस है, जो मलिहाबाद है ना, कई बार वैसे पूछा गया, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 3 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है, ठीक है। तो इसको भी लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, और इसका थीम भी इस कॉन्क्लेव का याद रख सकते हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्क्लेव का ये था 3R, ठीक है। तो R से मतलब आपको पता ही होगा, रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने BRD मेडिकल कॉलेज से संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया है। तो ये मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, तो BRD मेडिकल कॉलेज जो है ये गोरखपुर का एक मेडिकल कॉलेज है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इन्होंने जो है ये दस्तक अभियान और ये कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल ड्राइव जो है इसको शुरू किया है। जुलाई 2022 में PT उषा समेत कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा के लिए 12, ठीक है। तो अभी 4 लोगों को जो है यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक तो है PT उषा, इनके अलावा जो है वीरेंद्र हेगड़े, संगीतकार जो है इलैया राजा और वी विजयेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये बाहुबली जो मूवी थी उसके राइटर भी हैं, ठीक है। तो इन तीनों को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। जुलाई 2022 खारची पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है, ठीक है। तो बेसिकली ये जुलाई या अगस्त के महीने में ही ये खारची पूजा उत्सव जो है इसको मनाते हैं त्रिपुरा में, ठीक है, एक हिंदू फेस्टिवल है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य जी की शांति प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक। तो स्टैचू ऑफ पीस जो है इसको नाम दिया गया है, और स्वामी रामानुजाचार्य की ये मूर्ति लगाई गई है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर या जम्मू कश्मीर, तो यहाँ गलत आ जाएगा, नहीं ठीक है, माफ़ कीजिएगा, लद्दाख अलग हुआ है, ठीक है। हाँ, तो जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर का एरिया है यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया है, ये होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। और ये भी आपको पता होगा कि रामानुजाचार्य जी जो थे किसके प्रोपोनेंट थे, तो ये विशिष्ट द्वैतावाद जो है इसके प्रतिपादक थे, ये भी ध्यान रखिएगा। जुलाई 2022 में भारत ने G20 के लिए पीयूष गोयल की जगह किसे नया शेरपा नियुक्त किया है, ठीक है। तो पहले वीडियो में भी हमने बताया था आपको कि G20 के लिए जो समिट इंडिया में होने वाला है जम्मू कश्मीर में नेक्स्ट ईयर, तो उसमें शेरपा पहले थे पीयूष गोयल, ठीक है। तो अब जो है नीति आयोग के जो पूर्व CEO थे जो रिटायर हो गए वहां से, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, अमिताभ कांत, ठीक है, तो इनको नया शेरपा बना दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। पिछले वीडियो में भी हमने पूछा था आपसे कि शेरपा का मतलब क्या होता है, किसी ने बताया नहीं, प्लीज इसको कमेंट करके बताइए जरा। हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया,
इनको अभी हाल ही में जो है एक पब्लिक स्पीकिंग रैली में गोली मार दी गई थी, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई है। तो अब पूछा है हमसे ये जा रहा है कि इन्हें किस वर्ष में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण सम्मान के द्वारा सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो अभी 2021 में लास्ट ईयर ही इनको जो है पद्म विभूषण दिया गया था। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2022 का भी आपको पता होना चाहिए कि 2022 में 4 लोगों को मिला है पद्म विभूषण। हाल ही में खबरों में रहा उष्णकटिबंधीय तूफान डेरेचो से कौन सा देश प्रभावित हुआ है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूएस में जो है आसमान का पूरा रंग जो है कुछ एरिया में ग्रीन कलर का हो गया था, यानी कि हरा हो गया था, ठीक है। तो ये सब ये पर्यावरणीय घटना किसके कारण हुई, जो उष्णकटिबंधीय तूफान है डेरेचो, इसके द्वारा, ठीक। तो यूएस हमारा जो है ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ के कुछ राज्य जो है इसकी तूफान की चपेट में आए थे। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय गुट ने एक $600 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये वैल्यूएशन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, $600 बिलियन की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक ये प्लान तैयार किया गया है इस अमाउंट का, G7 ग्रुप के द्वारा। जुलाई 2022 में निम्न में से किस संस्था ने भारत में स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत की है, ठीक है। तो स्टार्टअप्स के संवर्धन के लिए स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया है गूगल ने, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें इसको स्टार्ट करने के पीछे इनका एम ये है कि जो हमारे टीयर 2 और टीयर 3 के शहर हैं, है ना, यानी कि छोटे और जो मझले शहर हैं, तो इनमें लगभग करीब जो है 10,000 जो स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो यहाँ पे एक्टिव हैं, उनको फायदा मिलेगा इस प्रोग्राम से। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक 36वां नेशनल गेम्स 2022 की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य करेगा, ठीक है। तो 36 नेशनल गेम्स जो हैं ये होंगे गुजरात में। ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डेट याद रखिएगा, 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के मध्य होगा। और चूंकि वैसे ये 2020 में भी शेड्यूल था, लेकिन पैंडमिक के कारण जो है ये पोस्टपोन होता रहा। और इससे पहले जो एडिशन हुआ हमारी ये नेशनल स्पोर्ट्स का, नेशनल गेम्स का, तो वो 2015 में हुआ था, वो केरला में हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के भूपेंद्र पटेल, उन्होंने डिक्लेयर किया है इसको कि अब ये गुजरात में जो है इस डेट में जो है खेला जाएगा, ठीक। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट है। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे फिर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।